हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैंने यहाँ पे प्यासी मछली को बिना तले हुए बनाया है, तो देख सकते हैं इसका कलर और टेक्सचर बहुत ही टेस्टी बना है ये फ्रेंड्स। तो चलिए मैं बनाने की विधि बताती हूँ। तो मैंने यहाँ पे 800 ग्राम प्यासी मछली को लिया है। इसमें हमने आधा चम्मच नमक डाला है, आधा चम्मच हल्दी डाला है, आधी चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे और इन सबको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। सारे पीसेस पे इसे लगा देंगे इस तरीके से। तो देखिए हमने सारे पीसेस पे लगा दिया है और कढ़ाई को हमने यहाँ पे गर्म होने के लिए रख दिया है। तो कढ़ाई गर्म हो रहा है तब तक हम मसाले तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक प्याज लिया है, एक लहसुन का पोटा लिया है, इसे हम साफ करके पीस लेंगे, और दो चम्मच सरसों है, तो इसे हम तब तक पीस लेते हैं थोड़ा सा पानी डाल के। तो ये देखिए हमने पानी डाल के पीस लिया है, इसका पेस्ट बना लिया है। अब हम कढ़ाई में सरसों तेल डालेंगे। तो इस कप से मैं आधा कप सरसों तेल डाल दूंगी, इसमें थोड़ा सा तेल ज़्यादा ही रहेगा। और इसमें दो पिंच हींग डाल रही हूँ। इसके बाद एक चम्मच सरसों दाना डाल रही हूँ। इसका कलर बदल जाए तब हम इसमें मसाले डालेंगे। तो यहीं पे मैं दो सूखी मिर्च भी डाल रही हूँ। तो देखिए हल्का सा कलर बदल गया है इसका, तब मैं इसमें पेस्ट डाल देती हूँ। अब इसके बाद हम मसाले डालेंगे। तो इस पेस्ट को डालते वक्त थोड़े से सावधानी से डालना है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा हाथ जलने की चांसेस रहता है। तो मैं आधा चम्मच हल्दी डाल रही हूँ, एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर और तीन चम्मच इसमें धनिया जीरा पाउडर डालूंगी। तो गाइज मैं क्या करती हूँ, एक साथ में धनिया जीरा पाउडर को मिक्स करके रख लेती हूँ, उससे थोड़ा सा आसानी होता है डालने में। तो आप मेरे रेसिपीज देखते होंगे तो आपको पता होगा, कई सारे वीडियोज में मैंने बोला है कि मैं धनिया जीरा पाउडर एक में मिक्स करके रखती हूँ। तो मैंने इन सबको डाल के भून लेना है। यहीं पे हम दो टमाटर डालेंगे। तो टमाटर को हमने बारीक कट करके डाला है और थोड़ा सा धनिया पत्ता, और थोड़ा धनिया पत्ता बचा के रखेंगे, बनने के बाद डालेंगे। तो अब इन सारे चीज़ों को मिक्स करते हुए हमें भून लेना है मसाले को इस तरीके से। तो गाइस यहाँ पे बता दूँ कि मसाले को भूनना बहुत ही ज़रूरी स्टेप है। इस तरीके से टमाटर को प्रेस करते हुए भूनना है जब तक कि मसाले हमारे तेल से अलग ना दिखने लगे। तो एक चम्मच यहाँ पे कसूरी मेथी डाल रही हूँ, इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है इसमें, तो आप एक बार ट्राई करना ज़रूर। यहाँ पे मैंने मछली के पीसेज को डाल दिया है मसाले में और स्वाद अनुसार नमक डाल लेंगे। तो फ्रेंड्स मैंने डालते वक्त कैमरा ऑन ही नहीं किया था गलती से, और इसको हम मिक्स कर देंगे इसी टाइम, क्योंकि ये पकने के बाद इसको ज़्यादा नहीं चलाना है क्योंकि ये टूट जाते हैं। तो अच्छी तरीके से यहीं पे हम चला लेंगे इसे। तो मसाले में हम एक मिनट तक इसे भून लेंगे। तो देखिए एक मिनट हो गया है और मसाले तले में चिपकने लगा है। तो अब हम पानी डालेंगे। तो एक गिलास पानी डाल रही हूँ मैं, ज़्यादा पतला नहीं रखना है इसे, गाढ़ा रहता है तभी अच्छा लगता है ये। आप चाहें तो इसे कम भी डाल सकते हैं पानी, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। तो पानी को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे, ढक्कन लगा देंगे और 10 मिनट बाद हम आपको दिखाते हैं इसे। तो गाइस 10 मिनट हो गया है, अब मैं इसका ढक्कन हटा के दिखाती हूँ। तो देख सकते हैं मछली बनके तैयार है, बहुत ही टेस्टी बना है ये। तो अब मैं यहाँ पे धनिया पत्ता डाल दूंगी जो मैंने बचा के रखा था, और फाइनली हमारा मछली बनके तैयार है। अब हम यहाँ पे गैस बंद कर देंगे और ये हमारी मछली बहुत ही टेस्टी बनी है फ्रेंड्स। आप इस रेसिपी से ट्राई ज़रूर करें और हमें बताएं कमेंट बॉक्स में कि आपके घर ये कैसा बना। तो चलते हैं फ्रेंड्स, मिलेंगे अगले रेसिपी में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।